हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत तमाम उन राज्यों के युवा जो सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो इस खबर को बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से पढ़ें। इससे पता चलेगा कि भर्ती चाहे आपके अपने राज्य की हो या फिर केंद्र सरकार की हो, उसमें जमकर धांधली हो रही है, उनके पेपर लीक हो रहे हैं। शुरुआत कहां से करें यह समझ में नहीं आता, लेकिन फिलहाल हरियाणा में 5500 पदों के लिए चल रही सिपाही भर्ती, जिसके लिए 8,39,000 युवाओं ने आवेदन किया है, 200, 250, 300 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला? वही ढाक के तीन पात, पेपर लीक हो गया। जी हाँ, पेपर लीक हो गया। एक और भर्ती का पेपर हुआ, एक बार फिर पेपर लीक हुआ। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हरियाणा के युवाओं के लिए ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये उनके लिए रूटीन हो गया है, क्योंकि एक के बाद एक भर्तियों के पेपर लीक होते जा रहे हैं। एक बार फिर से कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ है, एक बार फिर से, ये पहले भी लीक हो चुका है, पेपर कैंसिल हो चुका है। इस बार जो पेपर लीक हुआ है उसका भंडाफोड़ हुआ है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के नोएडा से खबर छपी है। अमर उजाला की खबर के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र आउट करवाकर परीक्षा पास करवाने वाले सोलवर गैंग के 10 आरोपियों को सेक्टर 58 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह गिरोह हरियाणा की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के संपर्क में था। सॉल्वर गैंग के सारे आरोपी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास हैं। जाहिर है इस तरह के लोग बिना पेपर लीक हुए पेपर पास नहीं कर सकते, क्योंकि हरियाणा में ग्रुप डी से लेकर सिपाही भर्ती तक में जितने डिफिकल्ट पेपर लिए जा रहे हैं उसके बारे में यहां तक कहा जा रहा है कि छोड़िए ये इंटरमीडिएट और हाई स्कूल पास लोग, आईएएस तक ये पेपर पास नहीं कर सकता। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास का तो मतलब ही नहीं है। सिपाही भर्ती के लिए जितने मुश्किल पेपर हरियाणा में लिए गए, युवाओं को इस गड़बड़ झाले का शक तभी हो गया था, लेकिन असली खुलासा उत्तर प्रदेश से हुआ है। एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि हरियाणा में रविवार को कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा थी, इसका दूसरा पेपर सोमवार को होना था। दोनों के प्रवेश पत्र के अलावा एक आउट करवाया गया प्रश्न पत्र भी आरोपियों से बरामद हुआ है। जी हां, पेपर आउट था जो इन लोगों से बरामद हुआ है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ इन्हीं लोगों के पास पेपर था? क्या इन्हीं लोगों तक पेपर पहुंचा था? क्या और भी इस तरह के गैंग है जो एक्टिव थे? क्या और भी लोगों तक पेपर पहुंचा था? जांच के बाद पता चलेगा, अगर जांच होगी तो। खबर में आगे बताया गया है कि आरोपियों ने पुलिस को बताया कि ये सोलवर गिरोह 2.5 साल पहले बनाया गया था। सोलवर गैंग का जाल बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में फैला हुआ था। आरोपियों द्वारा एसएससी की मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की परीक्षा के लिए 35 लाख, राजस्थान राज्य विद्युत प्रशासन निगम की परीक्षा के लिए 25 लाख, नेशनल एलिजिबिलिटी कम प्रवेश परीक्षा के लिए 20 लाख, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सीधी परीक्षा के लिए 35 लाख, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए 40 और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए 50 लाख रुपए लेकर परीक्षाएं पास करवाई जाती थी। एडीसीपी ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार को सेक्टर 61 से पकड़े गए आरोपियों के पास से 9,15,000 रुपए नकद और 4 लाख के 2 चेक और साथ में 28 प्रवेश पत्र बरामद किए गए हैं। ये लोग सिपाही की परीक्षा पास करवाने के लिए 20 लाख और दरोगा की परीक्षा पास करवाने के लिए 30 लाख और क्लास 2 की परीक्षा भी पास करवाते थे, उसके लिए 50 लाख रुपए तक वसूलते थे। सोलवर गैंग ने खुलासा किया है कि वो ये रैकेट कई साल से चला रहे हैं। सोचकर देखिए कि अब तक इन्होंने कितनी भर्तियों के पेपर लीक करवाए होंगे और कितनी भर्तियों में धांधलियां हुई होंगी। यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से भर्तियों में धांधली करने वाले गैंग को पकड़ा गया हो। लगभग हर भर्ती परीक्षा के बाद लगभग हर राज्य में ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। छोटे मोटे कारिंदे होते हैं, इनके ऊपर खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन भर्ती संस्थाओं में बैठे हुए इनके एजेंट, सरकारी पदों पर विराजे इनके सहयोगियों तक कभी कोई कार्रवाई और जांच की आंच
नहीं आती। इसलिए भर्ती घोटाले का ये जो धंधा है ये बदस्तूर चलता रहता है। उदाहरण एक बार फिर हरियाणा का लिया जा सकता है। हरियाणा में शायद ही पिछले कुछ सालों में ऐसी कोई भर्ती हुई हो जिसका पेपर लीक ना हुआ हो, लेकिन सरकार पेपर लीक तभी मानती है जब कोई पेपर आईटी सेल की फेक न्यूज के तरह सोशल मीडिया में पूरी तरह से वायरल हो जाता है, वरना तो पेपर लीक को नकल का मामला बताकर रफा दफा कर दिया जाता है। एक दो छोटे मोटे कारिंदों की गिरफ्तारी होती है और जांच वहीं पर खत्म हो जाती है। इस बार जो कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ था उसके तार नोएडा से जुड़े पाए गए हैं। पिछली बार इसी भर्ती परीक्षा के लिए जो पेपर लीक हुआ था उसके तार जम्मू कश्मीर से जुड़े पाए गए थे। यानी मामला अंतरराज्यीय बन जाता है और राज्य पुलिस के बजाय केंद्रीय जांच एजेंसी ऐसे मामलों की जांच करने में सक्षम रहती है। राज्य पुलिस दूसरे राज्य में जाकर जांच करने में उतनी सक्षम नहीं रहती। इसलिए विपक्ष की तरफ से बार बार मांग की गई कि इस मामले की सीबीआई से सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो। बावजूद इसके हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बार बार सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया, जबकि खुद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, लेकिन उस मांग को भी नहीं माना गया। क्या इस खुले खेल से युवाओं को समझ में नहीं आता कि पेपर लीक माफिया के तार कहां तक जुड़े हुए हैं? आप लोगों का इस पूरे मसले पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो ब्लॉग को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए।